मुझे गहलोत जी का विशेष रूप से मैं आभार व्यक्त करता हूं कि इन दिनों वो राजनीतिक आपाधापी में उनका अनेक संकटों से वो गुजर रहे हैं, उसके बावजूद भी विकास के काम के लिए समय निकाल करके आए, रेलवे कार्यक्रम में हिस्सा लिया, ये मैं उनका स्वागत भी करता हूं, अभिनंदन भी करता हूं। मौका था राजस्थान को पहली वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात का। पीएम मोदी ने बुधवार से जयपुर और दिल्ली के बीच पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान राजस्थान सरकार की ओर से भी मुख्यमंत्री के साथ कई मंत्री कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान पीएम मोदी ने राजस्थान कांग्रेस की गहलोत वर्सेस पायलट वाली लड़ाई का जिक्र करते हुए कुछ इस अंदाज में तंज कसा। मुझे गहलोत जी का विशेष रूप से मैं आभार व्यक्त करता हूं कि इन दिनों वो राजनीतिक आपाधापी में उनका अनेक संकटों से वो गुजर रहे हैं, उसके बावजूद भी विकास के काम के लिए समय निकाल करके आए, रेलवे कार्यक्रम में हिस्सा लिया, ये मैं उनका स्वागत भी करता हूं, अभिनंदन भी करता हूं। आपको बता दें, राजस्थान में गहलोत वर्सेस पायलट वाली सियासत बीते 4 वर्षों से चरम पर है। पहले 2018 में अंतर्कल है उस समय खुलकर सामने आई जब कांग्रेस जीत के साथ सत्ता के करीब पहुंची। भले ही कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था, फिर भी 99 सीटों के साथ कांग्रेस सत्ता पर काबिज होने के लिए तैयार थी। अब बारी थी विधायक दल के नेता के चुनाव की, जो प्रदेश का मुख्यमंत्री बन सके। यहीं से शुरू हुई गहलोत वर्सेस पायलट की जंग। पायलट के समर्थक जहां युवा नेता को सीएम बनाए जाने की मांग करने लगे, वहीं गहलोत के पक्ष में उनका गुट अनुभव का तजुर्बा दिखाकर ये कहने लगा कि अगले साल लोकसभा चुनाव है। लंबी जद्दोजहद चलने के बाद तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपने दोनों नेताओं के साथ एक तस्वीर ट्वीट करते हुए लिखा, द यूनाइटेड कलर्स ऑफ राजस्थान, और इसी के साथ मुख्यमंत्री का सेहरा अशोक गहलोत के सर सजा और पायलट डिप्टी सीएम बनाए गए। मगर गहलोत वर्सेस पायलट वाली सियासत के अंत पर पर्दा नहीं गिरा। 2020 में राहुल गांधी का यूनाइटेड कलर्स कुछ इस प्रकार से बिखरा कि महीनों ने देश की सियासत का सबसे बड़ा मुद्दा बना रहा। दरअसल पायलट ने 2020 में अपने समर्थित 19 विधायकों के साथ बगावत कर दी। पायलट ने विधायकों के साथ मानेसर में डेरा जमा लिया, उसके बाद चला आरोप प्रत्यारोप का दौर। पायलट या पायलट के खेमे से तो कोई बयानबाजी नहीं हुई, मगर हाँ, सीएम गहलोत और उनकी ओर से पायलट और उनके समर्थित विधायकों पर न केवल बीजेपी से मिली भगत के आरोप लगे, बल्कि सचिन पायलट को तो नकारा निकम्मा कह दिया गया। हम जानते थे कि निकम्मा है, नकारा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, खाली लोगों को लड़वा रहा है। एक महीने तक चली इस रस्साकशी में ना तो गहलोत की सरकार गिरी और ना ही पायलट बीजेपी में शामिल हुए। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी पायलट को मनाने में सफल रही। पायलट लौटे तो मगर अब ना तो वो प्रदेश अध्यक्ष थे और ना ही डिप्टी सीएम। अब वो महज एक विधायक और कांग्रेस के कार्यकर्ता भर ही बचे थे। माना जा रहा था आलाकमान ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि वक्त आने पर उन्हें राजस्थान का सीएम बनाया जा सकता है। 2022 में वो समय भी आया जब लगा सचिन पायलट सीएम बन सकते हैं। महीना था सितंबर का, तारीख थी 25 सितंबर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष के दावेदार बन चुके थे। माना जा रहा था कि गहलोत के कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद राजस्थान में नए सीएम का ऐलान होगा, जिसके लिए कांग्रेस आलाकमान ने 25 सितंबर को अपने पर्यवेक्षकों को जयपुर भेजा। लेकिन यहां पर भी विधायकों ने पर्यवेक्षकों की बैठक में जाने के बजाय मंत्री शांति धारीवाल के घर पहुंचे, जहां एक बार फिर से प्रदेश में गहलोत वर्सेस पायलट की बातें होने लगी। अब जब हाल ही में सचिन पायलट ने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वसुंधरा सरकार के दरमियान हुए भ्रष्टाचार का जिक्र किया, फिर उस पर कार्रवाई न होने को लेकर अपनी ही सरकार के खिलाफ अनशन पर बैठे, तो इस बात को लेकर एक बार फिर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर होने लगी है। और शायद इसी को लेकर ही पीएम मोदी ने अपने कार्यक्रम में सीएम गहलोत पर तंज कस दिया।